चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि सबलगढ़ विधायक सहित सात के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। विधायक वैजनाथ कुशवा के भाई की पत्नी की हत्या का ये पूरा मामला है। कोर्ट ने पुलिस को दिए आदेश कि 8 अक्टूबर को पेश करें आरोपियों को। सबलगढ़ विधायक सहित परिवार के 7 लोगों के खिलाफ हत्या के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी। कांग्रेस विधायक बैजनाथ कुशवा सहित उनके परिवार के 7 लोगों के खिलाफ प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार गोयल की अदालत में उनके छोटे भाई हरि सिंह की पत्नी अंगूरी की हत्या के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। तो कोर्ट ने 8 अक्टूबर को सभी आरोपियों को अदालत में पेश करने के आदेश दिए हैं। कैलारस पुलिस को ये पूरा आदेश दिया गया है। तो ये पूरा मामला हत्या का है जो 2015 का बताया जा रहा है। कांग्रेस विधायक वैजनाथ कुशवा सहित उनके परिवार के 7 लोगों के खिलाफ प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार गोयल की अदालत में उनके छोटे भाई हरि सिंह की पत्नी की हत्या का ये पूरा मामला है जिस मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। तो कोर्ट ने 8 अक्टूबर को सभी आरोपियों को अदालत में पेश करने के आदेश दिए हैं। चलिए इसी पे और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राजेंद्र गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे क्या है पूरा मामला, कब का पूरा मामला है और विधायक को गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी हुआ है। जी हाँ, इसमें बताना चाहूंगा कि प्रथम अपहरण सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार गोयल ने यह फैसला दिया कि सबलगढ़ के कांग्रेस विधायक व परिजन को बनाया हत्या का आरोपी। सबलगढ़ विधायक वैजनाथ सिंह कुशवाहा सहित उसके भाई व अन्य परिजन को एक परिवाद में हत्या का आरोपी बताया है। यह आदेश प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सबलगढ़ की अदालत ने किया है। यह मामला कैलारस थाना क्षेत्र के कैथ के पुराप विधायक के भाई की पत्नी की हत्या हुई थी, जो लगभग 15 दिसंबर 2016 की बात है। अंगूरी देवी जिसका नाम था, इसकी हत्या हुई थी। उस समय विधायक के भाई हरि सिंह कुशवाहा को हत्या का आरोपी बनाया था। अंगूरी के भाई भूरेलाल कुशवाहा ने इस मुद्दे को लेकर सबलगढ़ न्यायालय में प्रवाद को किया। यह मामला कुएं में धक्का देने से हुई। इसमें मुख्यतः आरोपी 7 लोग बनाए गए हैं, जिसमें मुख्यतः वैजनाथ कुशवाहा, दर्शन लाल कुशवाहा, लक्ष्मी नारायण कुशवाहा, लाखन कुशवाहा, बदन सिंह कुशवाहा, श्रीमती त्रिवेणी कुशवाहा, श्रीमती रेणु कुशवाहा। कोर्ट ने इन्हें 302 का अपराध स्वीकार करके मुजरिम बनाया है। यह मामला इनको 8 अक्टूबर को न्यायालय में हाजिर होना है। जी, चलिए बहुत शुक्रिया राजेंद्र पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बताते हैं।